हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्रिएटिविटी फोटोग्राफी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ISO होता क्या है और ISO का हमारी फोटोग्राफी में यूज़ कैसे है। सबसे पहले ISO है क्या? हमारे DSLR कैमरे के इमेज सेंसर की लाइट के प्रति सेंसिटिविटी, इसे हम कहते हैं ISO, कि हमारे जो कैमरे का इमेज सेंसर है वो लाइट के प्रति कितना सेंसिटिव है, उसे हम ISO कहते हैं। अगर आपको याद हो, DSLR कैमरे से पहले हम SLR कैमरा यूज़ करते थे जिसके अंदर नेगेटिव रोल डलता था। उस नेगेटिव रोल के ऊपर एक वैल्यू लिखी रहती थी, 100, 200, 400, 800, 1600। वो बेसिकली ISO की वैल्यू थी कि वो जो नेगेटिव रोल है वो कितना लाइट के प्रति सेंसिटिव है। हम अपने लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस रोल को चूज़ करते थे। जो आज के DSLR कैमराज हैं, इसके अंदर इमेज सेंसर लगा रहता है। जब हम कोई फ़ोटो खींचते हैं तो बेसिकली जो इमेज की जो वैल्यूज़ हैं वो इमेज सेंसर पर रिकॉर्ड हो जाती हैं और हमारे मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर हो जाती हैं। जो बेसिक DSLR कैमराज हैं उसके अंदर जो ISO की वैल्यू है वो 100 से लेकर 6400 तक है। जो अच्छे वाले कैमरे हैं, बेशक वो एंट्री लेवल के कैमरे क्यों ना हो DSLR का, उसके अंदर जो इसकी वैल्यू है वो 100 से लेके 25600 तक है। जो बिल्कुल है प्रो लेवल के जो DSLR कैमराज हैं उसके अंदर जो इनकी वैल्यू है वो 1,00,000 से भी ज़्यादा है। आपके कैमरे का इमेज सेंसर ज़्यादा सेंसिटिव होगा लाइट के प्रति, उतना ही जो आपका कैमरा है वो अच्छा रहेगा लो लाइट कंडीशन के अंदर शूट करने के लिए। नाइट के टाइम फोटोग्राफी करनी अच्छी लगती है तो आपको वही कैमरा चूज़ करना चाहिए जिसकी ISO वैल्यू अच्छी हो। जितना आपका कैमरा ISO वैल्यू के अंदर अच्छा होगा उतनी ही बेसिकली वो लो लाइट कंडीशन में अच्छी फोटोग्राफी कर सकेगा। अब देखें कि फोटोग्राफी में ISO का यूज़ कैसे है। अगर आप कोई फ़ोटो खींच रहे हो, आपने अपने DSLR कैमरे के शटर स्पीड सेट कर ली, अपने अपर्चर सेट कर लिया है, लेकिन जब आप फोटो क्लिक करते हो तो उसकी जो वैल्यू है फ़ोटो की वो अंडर एक्सपोज आ रही है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस कंडीशन में आप ISO की वैल्यू इंक्रीज करो, तभी आपको प्रॉपर एक्सपोजर मिल सकेगा। हाई वैल्यू ISO का हमारी फोटोग्राफी में ड्रॉबैक्स क्या है? अगर आपके पास बेसिक DSLR कैमरा है और आप नाइट के टाइम शूट कर रहे हो, आपने अपना शटर भी सेट किया हुआ है और अपर्चर भी सेट किया हुआ है, आपको फ़ोटो अंडर एक्सपोज मिल रही है और आपने ISO की वैल्यू इंक्रीज कर दी, फ़ोटो तो आ गई आपकी लेकिन आपकी उस फोटोग्राफी के अंदर ग्रेन्स आ जाएंगे। हाई ISO पर शूट करने से हमारी फ़ोटो के अंदर नॉइज आ जाती है, ग्रेन्स आ जाते हैं, जिससे हमारी फ़ोटो प्रॉपरली शार्प नहीं रहती, उसके अंदर वो छोटे छोटे से दाने दिखाई देते हैं। अगर आप हाई वैल्यू ISO पर शूट कर रहे हो तो आपकी फ़ोटोज़ के अंदर ग्रेन्स आ सकते हैं, जिससे आपकी फ़ोटो प्रॉपरली एक्सपोज तो होगी लेकिन शार्प नहीं रहेगी, जो पिक्चर की डिटेल्स हैं वो बेसिकली कम हो जाएंगे। हाई वैल्यूज़ पर क्लिक करने के बाद ग्रेन्स आ गए हैं तो आप अपने किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर जाके आप इस ग्रेन्स की जो वैल्यूज़ है उसको आप कम कर सकते हैं और अपनी अच्छी फ़ोटो का आउटपुट ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू।